तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है महिंद्रा कोटेक बैंक की तरफ से। अच्छा, जहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड दिया था उसका यूज कर रहे थे, उसका 1,80,040 रूपये नहीं दिया तो कंपनी ने कोर्ट केस कर दिया है। अच्छा, हाँ, यहाँ से तुम्हारी फाइल जाएगी तुम्हारे लोकल थाने में, गुड़गांव थाने में, वहाँ से गिरफ्तारी होगी। 2,53,000 रूपये की पेनल्टी है जो कोर्ट में साथ के साथ भरना पड़ेगा और साल भर तक की जेल है। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ जी, शाम से बात हो रही है? हाँ जी, शाम से। हाँ जी, दिल्ली पुलिस से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। आई टी हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा, हाँ, फाइल आई है तुम्हारी जिसमें आईसीसी की धारा 420-468 लगी है। नोटिस नोटिस तो आया होगा, पढ़ा है नोटिस? किस चीज के रिगार्डिंग है ये तो बताइए। नोटिस नहीं पहुँचा घर पे। किस चीज के रिगार्डिंग? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नोटिस तो मुझे कुछ ऐसा आया नहीं है, कुछ भी नहीं आया। नहीं, भाई 420-468 का मामला है कोई। हाँ, ठीक है। हाँ, कोई चोरी चकारी मनी चीटिंग वगैरह का मामला है कोई? ऐसा भी कुछ नहीं है। आप ये होम नंबर भाई, ये आपके लोकल थाने में फाइल फैक्ट होगी जहाँ पे आपकी गिरफ्तारी होगी। होंगे 6 महीने की जेल है और 253,000 रूपये का जुर्माना है। लेकिन ये 253,000 रूपये है किस चीज के? किसका नोटिस है, किस चीज का है ये तो पता चले? ये मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में फाइल आई है दिल्ली हाईकोर्ट से वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है ना, इसको खोलने की अथॉरिटी नहीं होती मुझे। अच्छा, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है जिसने केस डाला है उसका नंबर दे रहा हूँ, उससे बात कर लो, उससे जानकारी ले लो। नंबर बताओ, नंबर लिखो। दिल्ली हाईकोर्ट से वकील है एडवोकेट राजेश शर्मा। अच्छा, हाँ बताइए नंबर। ये नाम अपना, हाँ, पहले केस फाइल नंबर लिखो। हाँ, DL, हाँ, 720, हाँ, 2020, ये केस फाइल नंबर है। 2020। अच्छा, हाँ, ये मुझे ऑनलाइन दिख जाएगा है? ये मुझे ऑनलाइन दिख जाएगा क्या? ऑनलाइन दिख जाएगा फाइल? हाँ, ये फाइल नंबर जो आपने दिया है ये ऑनलाइन दिख जाएगी? ऑनलाइन नहीं होती है केस फाइल। केस जो होता है या तो कोर्ट में होता है, कोर्ट में आपको दिखेगा जाके वहाँ पे, या ना हाई कोर्ट में, या वकील के पास फाइल होती है, या ये फाइल मेरे पास में आई है। अच्छा, हाँ ठीक है। अब इसका नंबर ले लो राजेश शर्मा का, बताइए। 87 50 63 200 2 नंबर रिपीट करना। 87 50 63 2 00 2। हाँ, ये इसका नंबर है। अगर पूछे नंबर किसने दिया है बताना ना, दीपांशु राजपूत का फोन आया था दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आईटी हेडक्वार्टर से। अच्छा, हाँ, इससे बात कर लो, अपने केस के बारे में जानकारी ले लो। ठीक है ना, जो शॉर्ट आउट होता है वो कर लो। DL 720 2020 केस नंबर है ना? हाँ, ओके, इससे जानकारी लेके मेरे पास तुरंत कॉल करो। ठीक है ना, बात। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, राजेश शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ, राजेश शर्मा जी बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ, मुझे दीपांशु राजपूत ने कोई दिल्ली हेडक्वार्टर से ये नंबर दिया, आपका कोई फाइल वाइल का केस है? अच्छा, केस फाइल नंबर बताइए। DL 720 2020। और क्या नाम बताया आपका? विशाल सिंह है मेरा नाम। विशाल, इससे आपका दिल्ली? अच्छा, हाँ, किस चीज के लिए ये? विशाल सिंह, हाँ जी, ये अंदर सेक्शन आईसीसी की धारा 420-468 में मुकदमा है और यहाँ भी रखते है ना मकान, ये तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है महिंद्रा कोटेक बैंक की तरफ से। अच्छा, जहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड दिया था उसका यूज कर रहे थे, उसका
1,80,040 रुपया नहीं दिया तो कंपनी ने कोर्ट केस कर दिया है। अच्छा, हाँ, यहाँ जो तुम्हारी फाइल जाएगी तुम्हारे लोकल थाने में, गुड़गांव थाने में, वहाँ से गिरफ्तारी होगी। 2,53,000 रुपए की पेनल्टी है जो कोर्ट में साथ के साथ भरना पड़ेगा, 2 साल भर तक की जेल है। अच्छा ठीक है, करना क्या है इसका? आप मुझे करना क्या है, अब कोर्ट में आओ, गिरफ्तारी को कोर्ट में आके 53,000 रुपए पेनल्टी भरो और बैंक का 1,80,000 रुपए वो भरो। अच्छा ठीक है, मतलब यही होना है ना अब है? यही होना है और कुछ तो नहीं होना ना? यही होना, बाकी पुलिस वाले करेंगे जो करेंगे। ठीक है, विशाल सिंह बात हुई तुम्हारी? हाँ हो गई। हाँ क्या बोल रहा है वकील? मैं तो उसे बोला था, मैंने कहा करना क्या है, वो कह रहा है अब तो गिरफ्तारी होगी। मैंने कहा ठीक है जी। है किस मैटर में? ये कोटक महिंद्रा बैंक का है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक का मामला है? क्या उससे क्या कुछ फ्रॉड करती करी क्या? हाँ, कोटक महिंद्रा में छोटी छोटी करी क्या भाई साहब? फ्रॉड तो कुछ करानी है, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था और हाँ जी हाँ जी, और जॉब वॉब चली गई थी, इस चक्कर में मैंने पेमेंट कर नहीं पाया मैं इनकी। अब मेरी कोटक महिंद्रा बैंक में एक पॉलिसी चल रही थी, फैमिली पॉलिसी, और उस पॉलिसी में करीब 4,50,000 रुपए डिपॉजिट है पहले से। ठीक है, मैंने इन्हें ये बोला है कि भाई उसको वहां से एडजस्ट कर दो उस पॉलिसी को, आपका जो लोन चल रहा है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको एडजस्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बंदे कह रहे हैं कि नहीं हम करते हैं, कभी किसी वकील का फोन आता है, कभी किसी का आता है, मैंने उन्हें भी पॉलिसी नंबर दे रखा है, बट ये रिस्पॉन्स नहीं करते मुझे उसके बाद, लेने के बाद पॉलिसी नंबर। ठीक है जी, और इन्हें मैंने साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि अभी मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरा वो पॉलिसी का पैसा है, आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट में फिर चलोगे तो कोई बात नहीं, मैं कोर्ट में भी यही रखूंगा कि मेरे ऑलरेडी पैसे हैं वहां पे, तो आप वहां से यूटिलाइज कर लो, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा फंड तो है नहीं कि मैं इसको एडजस्ट कराऊं अभी। वकील से क्या बात हुई ये बताओ? वकील से तो मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा भाई क्या करना है आप मुझे बताओ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी होगी, आगे का एक्शन होगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, फिर कोई बात नहीं, जब आप यही कह रहे हो तो ठीक है फिर। अच्छा, तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो आप? भाई जब मैं उससे रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ कि करना क्या है आगे, अब आप मुझे बताइए, जब वो कह रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी होगी हम तो ये करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है फिर कर लो, जब उन्हें समझौता करना ही नहीं है तो ठीक है फिर आगे चलो। देखो बात सुनो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तारी दो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। वकील की मैं तुम्हें बात बताऊं, वकील चाहता है लोग गिरफ्तारी दें, ठीक है ना, उसका केस और लंबा बने,